गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू भारत ह्यूमिनिटीज क्लासेस सो टूडे वी स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जी के सीरीज एंड द टॉपिक ऑफ़ टूडे इज फर्स्ट इन इंडिया मेल भारत में प्रथम जो मेल है उनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं सो लेट एस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगलॉल बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे तो वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव आपके बंगाल के क्या थे फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के अंदर जो ड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो भी किसने किया था रॉबर्ट क्लाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के लास्ट गवर्नर कौन थे तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे वॉरेन हेस्टिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स क्योंकि 1773 सेवेंटी थ्री में एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट जिसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब क्या बना दिया गया था गवर्नर जनरल बना दिया गया था जिसका टेन्योर था फाइव ईयर्स कितना था फाइव ईयर्स तो पहले जो गवर्नर जनरल बने थे कंपनी की तरफ से वो कौन थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे कौन थे वॉर हेस्टिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटे देखिए जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1833 के अंदर एक चार्टर एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया था भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था इस तरह जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन बने लॉर्ड विलियम बेंटे लॉर्ड विलियम बेंटिक ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने अठारह में सती प्रथा को ख़त्म करने में राजा राम मोहन राय का क्या लिया था सहयोग लिया था तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्या करना है लर्न करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भारत के पहले वायसराय कौन थे तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग कौन होगा लॉर्ड कैनिंग ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के पहले क्या थे वायसराय थे नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे व्योमेश चंद्र बनर्जी डब्ल्यू सी बनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन टू पास इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे तो उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर जो ऑफिसर बने उनका नाम था सतेंद्रनाथ टैगोर क्या नाम था सतेंद्रनाथ टैगोर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो उनका नाम था लॉर्ड लुइस माउंट बैटन जो पंद्रह अगस्त 1947 से बीस जून 1948 तक भारत के क्या रहे थे गवर्नर जनरल रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन कोस मॉन आउट टू गो इन टू स्पेस इट मीन्स जो पहले एस्ट्रोनेट थे इंडिया के वो स्क्वेडियन लीडर थे राकेश शर्मा जो सबसे पहले कहा गए थे चांद पर गए थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिटेंट असेंबली देखिए भारत का जो संविधान था वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था जिसकी पहली बैठक हुई थी नौ दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस को कब हुई थी नौ दिसंबर उन्नीस सौ शालिस को ठीक है कहाँ पर हुई थी नई दिल्ली में कहाँ पर हुई थी नई दिल्ली में जिसके जो टेम्परेरी जो आपके क्या बने थे प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कांग्रेस के सबसे क्या थे बूढ़े नेता थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे तो वो थे जनरल के एम अप्पा जो कुर्ग कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट से थे कर्नाटक स्टेट कुर्ग जो स्मॉलेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का वो वहाँ से क्या करते थे बिलोंग करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट इंडियन नोबेल जो लिटरेचर मिला था वो किसे मिला था नोबेल प्राइज़ तो ये नाइनटीन थर्टीन में मिला था कब मिला था नाइनटीन थर्टीन में और रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो उसका आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह वॉज द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रतन अवार्ड देखिए आंसर होगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन कब मिला इनको उन्नीस के अंदर ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे वाइस प्रेसिडेंट भी थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो बर्थडे है वो हम किस रूप में मनाते हैं टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं ठीक है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट फील्ड मार्शल तो वो थे जनरल एस एफ जे मानिक शाह जो फर्स्ट आपके क्या थे फील्ड मार्शल थे नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिटेंट असेंबली तो आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिटेंट असेंबली टेम्प्रेरी बेस पे तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे लेकिन अब आपके कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इट मीन्स कि उस समय जब 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी जो सेकंड मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिटेंट असेंबली की कहाँ पर हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर उस समय किसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिटेंट असेंबली चुन लिया गया था जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले क्या बने थे प्रेसिडेंट भी बने थे ये भी ध्यान रखना है और ये अकेले ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार दस सालों के लिए भारत देश के क्या थे? बने थे राष्ट्रपति बने थी नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन टू स्विम एक द इंग्लिश चैनल तो आपका आंसर होगा मिहिर सेन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड तो ये हाईएस्ट क्या होता है इंडियन लिटरेरी अवार्ड होता है जो एनुअली दिया जाता है और आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा जी शंकर क्रू जिनको क्या मिला था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक इट मीन्स स्वतंत्र भारत के जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे तो वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन टू विन पार्क स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट तो बैद्यनाथ नाथ जो थे उनको पहला क्या मिला था ये पहले इंडियन थे जिन्होंने जीता था पार्क स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट को नेक्स्ट है द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे तो वो थे आपके जीवी वी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जिन्होंने बंगाल गजट जो एक वीकली मैगजीन थी वो निकाली थी नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक इस्लामिक स्कॉलर थे बहुत बड़े विद्वान थे इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े एक नेता थे जिनको सोलह से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था तो आपके जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अब शिक्षा को एच डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर दिया गया है शामिल कर दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और आपको पता है कि एच मिनिस्टर अब कौन है तो हैं डॉक्टर निशंक पोखरियाल नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक इंडियन रिपब्लिक भारतीय जो आपका क्या है रिपब्लिक है उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे तो वो कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री तो आपके कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंट्रीम गवर्नमेंट से लेकर और अपनी डेथ तक क्या बने रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके अलावा वो फॉरेन मिनिस्टर भी पहले और अपने डेथ तक वो देश के क्या बने रहे थे विदेश मंत्री बने रहे थे विदेश मंत्रालयों को उन्होंने हमेशा अपने पास रखा था और कांग्रेस पार्टी को पॉपुलर बनाने में इनका बहुत बड़ा क्या था योगदान था गुट निरपेक्षता की नीति जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी उसमें भी इनका सबसे बड़ा क्या था रोल था कि जिस समय पूरा विश्व दो ध्रुवों के अंदर बटा हुआ था उस समय इन्होंने एक तीसरी राह दिखाई और अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के नव स्वतंत्र देशों को अपील की कि वो किसी भी गुट के अंदर ना तो पूर्वी गुट जिसका नेता सोवियत संघ था और ना ही पश्चिमी गुट में शामिल हो जिसका नेता कौन था संयुक्त राज्य अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो पहले जो होम मिनिस्टर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको क्या कहा जाता आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर क्या किया था मर्ज करने में सबसे बड़ा रोल क्या किया था प्ले किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार करने में इनकी बहुत बड़ी क्या थी भूमिका थी नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन आपके क्या थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो वो थे आपके एयर मार्शल सर थॉमस एलम हर्स्ट ये आपके क्या थे फर्स्ट चीफ ऑफ क्या थे आर्मी स्टाफ थे नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया तो वो थे आपके एयर मार्शल एस मुखर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वो थे आपके जनरल एम राजेंद्र सिंह जो थे वो आपके पहले फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया तो आपके वाइस एडमिरल आर डी कटारी जो थे वो आपके क्या थे पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया तो आपका कौन सा था अप्सरा था जो 1956 में ये बना और इसका जो इनोग्रेशन था वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने

साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था तो वो थे आपके सी रमन जिनको भौतिकी के लिए क्या दिया गया था आपका नोबेल प्राइज मिला था नेक्स्ट आपका है फर्स्ट इंडियन सम्मेराइन तो भारत का जो पहला इंडियन सम्मेराइन था वो आई एन एस कावेरी था क्या था आई एन एस कावेरी नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस पहले देखिए पहले वैज्ञानिक जो इंडियन ओरिजिन से मूल रूप से भारतीय थे टू तो गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस तो उनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना क्या नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप तो आपका आंसर होगा आई विक्रांत क्या होगा आई विक्रांत नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चाइनीज पिलग्रीम टू विजिट इंडिया तो फायान आया था सबसे पहले कौन आया था फायान यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में आया था नेक्स्ट है फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल तो मध्यम दूरी की जो पहली मिसाइल थी वो कौन सी थी अग्नि कौन सी थी अग्नि नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ई बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया तो ई बिजनेस न्यूज़पेपर था फाइनेंशियल एक्सप्रेस कौन सा था फाइनेंशियल एक्सप्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन मिसाइल भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी तो वो थी आपकी पृथ्वी मिसाइल कौन सी मिसाइल पृथ्वी नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन टू विन स्टॉलिन अवार्ड पहला भारतीय जिसको स्टॅलिन अवार्ड मिला था तो उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर भारत का पहला जो न्यूक्लियर सेंटर था वो कौन सा था तारापुर महाराष्ट्र के अंदर कहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू विन मैगसे से अवार्ड तो पहला भारतीय जिसको मैगसे से अवार्ड मिला आचार्य विनोबा भावे जिनको उन्नीस के अंदर क्या मिला था मैक्से अवार्ड मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियाज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ये आपकी थी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी जिसको बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है अब इसका नाम क्या है बी आर अम्बेडकर और ये कब बनी थी ये 1982 के अंदर बनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट लोकसभा मेंबर टू बी इलेक्टेड विद अ रिकॉर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स तो वो थे आपके पी वी नरसिम्हा राव नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट यूनियन कैबिनेट से रिजाइन करने वाले भारत के प्रथम मंत्री कौन थे तो वो थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको भारतीय जनसंघ भारतीय जनसंघ जो 1951 में बना था उनका संस्थापक भी माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज इन इंडिया तो दिल्ली में 1951 के अंदर ये ऑर्गेनाइज कराए गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर देखिए भारत देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए एक स्वतंत्र किसकी जरूरत थी एक संस्थान की जरूरत थी जो देश के अंदर क्या करा सके चुनाव करा सके इसके लिए 25 जनवरी 1950 को क्या बनाया गया आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया शुरुआत में इसके अंदर एक ही मेंबर था आज इसके अंदर तीन मेंबर होते चुनाव आयोग में आज कितने तीन मेंबर है पहले ये सिंगल मेंबर था और वो पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो कौन थे सुकुमार सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे तो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी क्या नाम था बदरुद्दीन तैयब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हीरालाल जे कानिया वाज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पर्सन टू सबमिट द प्रपोजल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन अ कांग्रेस सेशन तो उनका नाम था हसरत मोहानी क्या नाम था हसरत मोहानी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी भारत की प्रथम जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो थी वो कौन सी थी तो थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी एनशियट है काफ़ी फेमस है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर शेरपा फाउ दौरजी जो थे वो आपके बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे ये पहले भारतीय थे नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न खान अब्दुल गफार खान जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन रेसिपियंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंदर प्रथम भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला तो वो थे डॉक्टर अमृत सेन जिन्होंने एच को तैयार करवाया था किसके साथ मिलके डॉक्टर महबूबुल जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे उनमें अमृत सेन का भी क्या था काफ़ी बड़ा योगदान था नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड तो पहला जो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन था वो वो कहाँ पर स्थापित हुआ तो आपका आएगा आंसर हैदराबाद क्या आएगा हैदराबाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया तो बेबी हर्षा इंदिरा नाम था उसका क्या नाम था इंदिरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन पायलट पहले पायलट कौन थे भारतीय तो वो थे जे टाटा जे टाटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका लेफ्टिनेंट रामचरण 1960 में अंटार्कटिका पहुंचे थे नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया भारत में पहला डाकघर कहाँ खुला था तो सत्रह के अंदर कोलकाता उस समय वो कैलकाटा था वहाँ पर खुला था नेक्स्ट है फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय हमने होम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले क्या थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने ऑफिस से क्या किया था रिजाइन किया था तो वो थे मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई जो 1977 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था नेशनल इमरजेंसी के बाद उसके बाद वो जनता पार्टी की तरफ से क्या बने थे भारत के सबसे बूढ़े सबसे ज़्यादा एज के क्या बने थे प्राइम मिनिस्टर बने थे नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लूज एन इलेक्शन पहले भारत के प्रधानमंत्री जो इलेक्शन में हारे रहे थे वो थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी वो इसी इलेक्शन के अंदर बिकॉज ऑफ एमरजेंसी विच वॉज़ पुट बाई हर ऑन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून 1975, सेवेंटी जून 1975 को जो आपातकाल घोषित किया था उनके कारण इंटर इंटरनल डिस्टर्बेंसिस के कारण जिसके कारण वो हारे थे और 1977 का जो इलेक्शन था वो एक स्लोगन के ऊपर लड़ा गया था सेव डेमोक्रेसी लोकतंत्र बचाओ जो विपक्षी दलों ने स्पेशली जनता पार्टी ने उस नारे को क्या किया था मुखर किया था जिसके आधार पर पहली बार भारत के प्रधानमंत्री क्या हारे थे चुनाव हारे थे नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस अपने कार्यकाल के दौरान पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई थी वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस नवांग गोंबू वॉज द मैन हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल साउथ पोल पर सबसे पहले कौन पहुँचे थे तो आई के बजाज थे कर्नल आई के बजाज नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड तो भानु अथैया जो थे जिनको क्या मिला था पहला ऑस्कर अवार्ड मिला नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया तो वो आपके कौन थे डॉय डेविड आइजन थे जो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो भारत में विजिट करने आए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया तो हार्लॉर्ड मैक मिलन थे जो आपके कहा थे भारत के अंदर आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड एंडरसन अवार्ड किसको मिला था रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टुडे वी डिस्कस्ड फर्स्ट इन मेल इन इंडिया एंड वी डिस्कस सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आंसर You have to watch this video, learn all these question answer. पूरी वीडियो को अच्छे से देखकर वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्या कर ले प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो जो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जय हिंद जय भारत